हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। तो काफ़ी दिनों के बाद आज हम लोग आए हैं एक नई वीडियो में। तो स्वागत है माला शशि ब्लॉग यूट्यूब चैनल में, और कंटिन्यू बने रहिएगा आज एक नई ब्लॉग के साथ। गाइज, रीज़न ये हो गया था कि कुछ हमारी पर्सनल प्रॉब्लम के वजह से वीडियो रेगुलर नहीं आ पा रहा था, तो आज से अब से कंटिन्यू आप लोगों को हमारा लव मैरिज कपल का नया नया वीडियो देखने को मिलता रहेगा। और यहाँ पे देख पा रहे हैं मेरी वाइफ जो है गले में देखिए कुछ भी धारण नहीं की हुई है, मेरे नाम का लाइसेंस पूरा का पूरा गला खाली है, और इसी कारण से वीडियो नहीं आ पा रहा था। हम दोनों के बीच में अनबन हो गया था इसी कारण से, है ना जी? है, बोलो सही सही बात बोलो, क्या बात था जो वीडियो नहीं आ रहा था? और हमारा नाम का लाइसेंस क्यों अभी तक गले में लगा के रखी हुई है? तो टूट गया है। तो गाइज, कल जो कुछ काम कर रही थी घरेलू काम, तो उसमें इसका मंगलसूत्र टूट गया है, क्योंकि अभी गर्मी का समय और पसीना से उसका धागा खराब हो जाता है, तो इसी वजह से उसको बनाना पड़ेगा, तो नहीं पहनी है। और यहाँ पे अभी इनका टेलनी का काम चालू है, तो ये देखिए इनका जो है ये गले का ये निकाल रही, डिजाइन निकाल रही, कुछ इस तरीके से ये ब्लाउज का गला है उसका डिजाइन यहाँ पे निकाल रही है। तो अभी फिलहाल इनका जो है दुकान का सेटअप हमने यहाँ पे लेके आ गया है, तो हम वीडियो शूट नहीं कर पाए क्योंकि हमने पहले ही बता दिया कि हमारा कुछ पर्सनल प्रॉब्लम था। मतलब पर्सनल प्रॉब्लम क्या था कि हमारा जो मोबाइल था उसका डिस्प्ले ख़राब हो गया था, जिस कारण से हम वीडियो रेगुलर नहीं ला पा रहे थे। तो अब जा कर के हमारे पास थोड़ा सा पैसा का आमदनी हो गया, तो हम मोबाइल का डिस्प्ले को बनाए हैं और आज से वीडियो शूट करना चालू कर दिए हैं। तो देखिए कुछ इस तरफ से यहाँ से इनका दुकान का हमने सेटअप लगाया हुआ है। तो कस्टमर है, काफ़ी सारा कपड़ा आया हुआ है, काफ़ी काम का लोड है। तो मैम बैठ चुकी है सिलाई करने के लिए। मैम किसकी मैम? किसकी मैम है? मेरी मेन है, मेन फ्यूज है। तो मेन फ्यूज हम कहें अर्थिंग है। तो लेकिन इसी तरह थोड़ा बहुत मस्ती होते रहता है। तो आगे जो भी माला ने कल एक काम कर दी घर का, इन्होंने क्या काम की थी बोलते तो फ्रेंड को? जो हमारा थोड़ा जोर से बोलो, माइक नहीं लगाया हुआ है। फूल क्या तुम्हारा फूल क्या हो गया? फूल वगैरह जो खरीद के लाए हुए थे वो तो आपने अपलोड किए हुए है ना? हाँ। तो उसका फुल वीडियो हमने शूट किया है, तो वो फुल वीडियो एडिटिंग करके आप लोग को देखने को मिलेगा। तो आगे आप उस वीडियो को देखिए, और इसका सिलाई होने के बाद फिर हो पाएगा तो आज नहीं तो कल एक नया ब्लॉग आप लोग के लिए फिर से लेके आऊंगा। तो इतना दिन हम लोग कोई वीडियो नहीं डालेगा ही, तो इसके लिए सॉरी, प्लीज आप लोग से गुजारिश है कि कंटिन्यू अब से आप लोगों के लिए एक नई प्यारा प्यारा वीडियो हम लोग लेके आए रहे, आते रहेंगे, आप लोग भी सपोर्ट कीजिएगा। हाँ। तो इनको भी बोलने क्योंकि अपने काम में है। तो चले गाइस आगे वीडियो में, कंटिन्यू आप लोग बने रहे, और वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आप लोग को वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताएं, और आप लोग कहां-कहां से फिर से हमारे फ्रेंड जुड़ रहे हैं वो भी बताइएगा। और अभी बाहर का नजारा दिखा दूं गाइस, तो देखिए बाहर का नजारा में सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आम देखने को मिलेगा। अभी आम का सीजन खत्म हो गया है, तो ये देखिए बम्बई आम जो कि पूरा का पूरा ये गच पक्कू आम है, मतलब पैर से पक के गिरा हुआ है ये आम। तो ये आम है, यहाँ पे हमारा आज 3-4 दिन से आटा खत्म हो चुका है, तो गेहूँ पिसने के लिए यहाँ पे मम्मी ने बना दी है, तो आज जाएंगे गेहूँ पिसाने के लिए। कल ही जाते बट नहीं जा पाए क्योंकि लाइट नहीं था हमारे यहाँ हमारे गाँव में, क्योंकि वो मुहर्रम का जो त्यौहार होता है ना होता है, इस वजह से उसमें गर्दी काफ़ी हो जाता है, तो लाइट कट कर दिया था, तो मशीन बंद थी। और धूप आज के समय, मतलब आज 4-5 दिन से काफ़ी धूप है हमारे इधर, आप देख पा रहे हैं चारों तरफ कितना धूप ही धूप है, बहुत सारा धूप है। तो आप लोग की तरफ कैसा मौसम है कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए गाइज आगे कंटिन्यू, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी जो है मैं यहाँ पे, ये देखिए हमारा जो ये था क्या बोलते इसको पॉट, सो टूट गया है ये देखिए। और इसमें जो है ना बकरी को सानी लगाते थे मम्मी जी, तो अब जो है मैं इसमें लगाने वाली हूँ प्लांट, और वो भी पर्पल हाथ का मैं यहाँ पे प्लांट लगाने वाली हूँ। ये जो है ना एक दंतेल मैंने तोड़ के लाई हुई थी, जब हम सुपौल में जाते थे ना ये करने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए, तभी एक ही मिला था, इतना बड़ा भी नहीं था, तो उससे हमने बहुत अच्छे से ग्रो कर लिया है। और इसमें जो है ना अभी ये टूट चुका है, तो इसमें मैं सोच रही हूँ कि इसमें कुछ जुगाड़ किया जाए और मैं इसमें प्लांट लगाऊं। तो अभी जो है दोस्तों यहाँ पे जो है ना इसका ये करना पड़ेगा मुझे सिलाई, तभी ये टिक सकता है। तो सिलाई मैं करती हूँ, आप लोग के साथ भी शेयर करूँगी जब टूट जाते हैं
तो इसको फेंकने से अच्छा है कि मैं कुछ दिन इसको यूज कर लूँ और मेरा जो है ये पर्पल हार्ट का प्लांट मैं इसमें रिपोर्ट करूँ। तो इसमें सुई गर्म करके मैं लगाने वाली हूँ इसका सिलाई। तो आगे आप सभी बने रहिए वीडियो में। तो दोस्तों मैंने सुई को गैस पे गर्म होने के लिए रख ली हूँ और जैसे ही गर्म हो जाता है ना वैसे ही मैं इसको सिलना चालू करूंगी। उससे पहले मैं इसको अच्छे से छेद कर लेती हूँ। जब तक गर्म रहेगा ना तभी तक ये अंदर पास होगा। तो अभी जो है मैं 5 छेद की, उसके बाद जो है ना उसका जो पावर था घट गया था सुई का। और बहुत ही मैं इसको जो है ना इस तरह से करके जैसे कि चेयर टेबल जितना है ना रबर का जो टूट जाते हैं तो मैं कुछ दिन इस तरह से यूज कर लेती हूँ। बहुत अच्छे से यूज में आ जाता है और ये कबाड़ में जाएगा दोस्तों। तो कोई भी इसका कीमत तो नहीं आता है पर वही प्याज वगैरह लेने में काम आ जाएगा। पर कोई नहीं, हम इसको अच्छा बड़ा है ना इसमें अच्छे से बहुत ज़्यादा इसमें प्लांट ये हो जाएगा, ग्रो हो जाएगा। और इसमें मिट्टी वगैरह अच्छे से डालोगे ना तो प्लांट अच्छे से ग्रो भी करेगा। तो दोस्तों मैंने इस तरह से सिलाई कर लिया है और बहुत अच्छे से सिलाई हो गया। और अब जो देखिए कितना ज़्यादा ये पक्का हो रहा था अब बहुत ही कम दिख रहा है और स्ट्रांग भी हो गया है। तो अब जो है इसमें मिट्टी में भरती हूँ और फिर प्लांट लगाऊंगी वो दिखाती हूँ। मिट्टी मुझे खेत से लाना पड़ेगा इसके लिए। तो दोस्तों मैंने मिट्टी भी लेकर आई और कैमरा चालू जो है मैंने बंद कर दिया। कैमरा चालू करना ही नहीं मुझे समझ में आया क्योंकि मुझे लगा कैमरा चालू है फिर भी कैमरा चालू नहीं था और मैंने पूरा वीडियो बना लिया। अब जो है आप लोग को डायरेक्टली दिखा देती हूँ जो मैंने प्लांट लगाई हूँ पर्पल हार्ट का। यहाँ पे देखिए मिट्टी लेके आई और पूरे मैंने इसका कलियां तोड़ी और तोड़ने के बाद मैंने ये सब करने के बाद मैं वहाँ पे लगा के भी आई तब मैंने कैमरा देख ली तो कैमरा ऑफ था तो सॉरी इसके लिए। और इसमें मैंने बहुत इजीली रहता है इसका कटिंग जो है इस तरह से निकाल के तोड़ के टूटता भी बहुत ईजिली। और इसमें मैंने बड़े पॉट में क्यों लगाई क्योंकि इसमें जो है अच्छे से ग्रो भी होता है और मैं बाद में छोटे छोटे प्लांट में रिपोर्ट करूंगी। तो इससे जो है काफ़ी ज़्यादा मुझे प्लांट मिल जाता है इसी वजह से मैंने बड़े पॉट में लगाई। और ये नाकाम था तो इसको रीयूज हमने किया है। ये आपको आइडिया कैसा लगा कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये प्लांट जो बेस्ट इसमें जैसे मैंने प्लांटर बनाई बताइएगा। तो फ्रेंड्स फूल का प्लांट लगाने के बाद यहाँ पे माला आ चुकी है हमारे बेडरूम में और बेडरूम को करने वाली है ये क्लीन। आप देख पा रहे हैं क्योंकि काफ़ी दिनों से 10-15 दिन से जो है बेड हमारा क्लीन नहीं हुआ था तो काफ़ी धूल मिट्टी बैठ गया था तो आज उसको यहाँ पे कर रही है क्लीन।
और गर्मी तो काफ़ी है, इस वजह से पंखा भी चालू है, तो आपको पंखा का भी जो आवाज़ सुनाई दे रहा होगा तो उसे आप इग्नोर करके चलें। तो यहाँ पे किस तरीके से आगे हमारे बेडरूम को ये साफ़ सफाई करती है, कैसे बेडरूम को सजाती है, कंटिन्यू म्यूजिक के साथ आप वीडियो में बने रहिए, और पूरी वीडियो देखने के बाद आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स फाइनली यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बेडरूम को सजा करके हो गया है। तो आपको कैसा लग रहा है बेड देखने में कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।